Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials.

स्कॉटलैंड ने एक कानून पास किया है एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नाउ ऑल सैनिटरी प्रोडक्ट्स नीडेड फॉर द पीरियड्स विल बी फ्रीली अवेलेबल टू ऑल दोज वुमेन हु नीड्स इट तो आपको पता है कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द वीमन सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड और बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जिनको ये अवेलेबल हो नहीं पाता है जो सैनिटरी uh, रिक्वायरमेंट्स है जो प्रॉपर सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू मोस्ट ऑफ द विमेन दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज़ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन फॉर मोस्ट ऑफ द और मेनी विमेन इन द वर्ल्ड नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को काउंटर करने के लिए स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो इस तरह का कानून लेकर के आया है जहाँ पे सैनिटरी प्रोडक्ट्स फॉर आ मैंस्ट्रोएसन साइकल और मैंस्ट्रोशन पीरियड विल भी फ्रीली एवेलेबल अब यह जो लॉ है ये साफ साफ कहता है कि दिस इज टारगेटेड एट रिमूविंग पीरियड पोवर्टी तो जरा समझते हैं कि यह टर्म पीरियड पोवर्टी है क्या पीरियड पोवर्टी का सीधा सीधा मतलब है इट मीन्स लैकिंग ऑफ मनी टू बाई सैनिटरी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड्स तो बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं हमें सुन के ऐसा लगेगा ठीक है दस रुपये बारह रुपये कौन सी बड़ी बात है बट इट्स इट इज़ स्टिल अ बिग अमाउंट आपको पता है कि हमारे देश की गरीबी रेखा लगभग तीस रुपये के आसपास है मतलब जो लोग भी तीस रुपए से कम कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे कहे जाते हैं और हमारे देश की लगभग पच्चीस परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है तो आप समझ लीजिए कि जो लोग पच्चीस परसेंट लोग ऐसे हैं जो तीस रुपये भी नहीं कमा पाते एक दिन का तो उनके लिए इन तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं दे एक्चुअली आर अ बिग डील अ बिग आस्क फॉर देम उनके लिए ये भी फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है लेकिन यह सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है पीरियड पॉवर्टी इट इज अ प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब यहां पर कुछ डाटा हमने यूनाइटेड नेशंस का आपके साथ शेयर किया है इसमें आप देखेंगे कि अबाउट 500 मिलियन वेमेन इंडियोर पीरियड पॉवर्टी एवरी मंथ ग्लोबली 12 परसेंट ऑफ़ द वुमेन आर फोर्स टू यूज अनहाइजीनिक एंड अनसेफ़ अल्टरनेटिव इन द वर्ल्ड तो दुनिया में आप देखो तो ओवरऑल पीरियड पॉवर्टी का रेशियो है 12 परसेंट ठीक है 12 परसेंट ऐसे वुमेन हैं जो सेफ प्रोडक्ट्स जिनके लिए एक्सेसिबल नहीं है लेकिन इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा हाई है इंसिडेंस जरा देखते हैं इंडिया के डाटा जरा देखते हैं पीरियड पॉवर्टी इन इंडिया तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाई इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ओनली ट्वेल्व परसेंट ऑफ़ द मैंस्ट्रुएटर्स या वीमेन इन हैविंग मैंस्ट्रुएसन एज हैव एक्सपोजर और एक्सेसिबिलिटी टू प्रॉपर पीरियड प्रोडक्ट्स तो इंडिया में हालात बिल्कुल उल्टे हैं आप देखो दुनिया में 12 परसेंट ऐसी वुमेन है जो पीरियड पोवर्टी फेस कर रही हैं हमारे यहाँ पे 88 परसेंट ऐसी वुमेन है जो पीरियड पोवर्टी फ़ेस कर रही हैं दे आर फोर्स टू यूज अन होम मेड मटीरियल्स तो हमारे यहां पे तो इंसिडेंस काफी हाई है और पीरियड पॉवर्टी का कितना सारा इंपैक्ट होता है हमारे ओवरऑल हमारे ओवरऑल लाइफ पे देश की ग्रोथ पे उसको इस डाटा की मदद से समझने की कोशिश करते हैं देखो ऑन एन एवरेज मोर देन 40% परसेंट ऑफ द गर्ल स्टूडेंट इन इंडिया रिजोर्ट टू मिसिंग स्कूल वाइल सोशल स्टिग्मा है या फिर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इस कारण से होता क्या है ये डाटा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कि लगभग 40 परसेंट ऐसी गर्ल स्टूडेंट्स हमारे देश में जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो अपने स्कूल्स कॉलेजेस को वो मिस करती हैं तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट उनके करियर पे पड़ेगा उनके ओवरऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट पे पड़ेगा क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं इट इज़ अ मैटर ऑफ़ एवरी मंथ और अगर आप ओवरऑल डाटा देखें तो हेल्थ मिनिस्ट्री का ही डाटा है कि ऑन एन एवरेज ऑफ वुमेन इन हज लाइफ साइकिल फेसेस दिस प्रॉब्लम और फेसेस दिस हेल्थ इशू फॉर अबाउट टेन ईयर्स इन हर कंप्लीट लाइफ साइकिल तो ये बड़ी बात है तो इस हिसाब से आप समझो कि एक वुमेन का जीवन का 10 साल लगभग मेंस्ट्रुएशन को फेस करने में निकल जाता है और वो जब जब मेंस्ट्रुएशन के सब प्रॉब्लम्स फेस करती है तब वो अपने इस तरह के करियर रिलेटेड ऑप्शंस या स्कूल कॉलेज जाना उसको वो स्किप करती है तो उसका इम्पैक्ट तो उसके करियर पर उसके लाइफ चॉइसिस पे तो दिखेगा दिखेगा आप देखो और भी डाटा है ट्वेंटी ऑफ़ द गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल आफ्टर द स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग मैंस्रुअल साइकिल तो ये भी एक कारण है देखो सिर्फ आप पीरियड पॉवर्टी की बात नहीं है सिर्फ इन सेफ़ प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं है हमारा जो भी एजुकेशन सेंटर है या फिर जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे सेफ लोकेशंस भी होने चाहिए बेहतर एक्सेसिबल क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए जहाँ पे हमेशा पानी का सप्लाई हो ताकि वेमेन इन अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाएँ सो दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एट मेनी प्लेसेज इन इंडिया एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड हाई गर्ल्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल्स या फिर हाई और लेस विमेन इंगेजमेंट इन द इकनॉमिक अरिना इन आर कंट्री तो ओवरऑल इससे हो क्या रहा है कि एक जो मेजर सेगमेंट है हमारी देश का वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है और हम लोग जो पोटेंशियल है उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं और आप अगर बात करो तो एक वुमेन और मेन के बीच में भी किसको एजुकेट करना ज़्यादा जरूरी है वैसे तो सबका एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है बट फिर भी नो वन विल डिस विद दिस आर्ग्यूमेंट uh, कि अगर एक वुमेन और मैन है तो उन दोनों में जो वुमेन है उसको एजुकेट करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपने पहले भी ये सुन रखा होगा इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ मैन ओनली बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट द एंटायर फैमिली मलाला यूसुफ जई नोबल प्राइज़ विनर उन्होंने भी कहा वन चाइल्ड वन टीचर एंड वन बुक वन पेज कैन चेंज द वर्ल्ड तो वेमेन के एजुकेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस पीरियड पॉवर्टी एंड वी नीड टू टैकल दिस तो अब इसको हम अपने आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करें तो देखो हम साफ साफ लिख सकते हैं इस तरह का आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं अगर कभी ऐसे लिख रहे हैं या पेपर वन का आंसर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि इंडिया कैन रेप्लीकेट स्कॉटलैंड्स अप्रोच गिवेन द ह्यूज इंसिडेंस ऑफ पीरियड पॉवर्टी हमारे देश में पीरियड पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है और इस कारण से हमें स्कॉटलैंड का आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये भी एक सोशल वेलफेयर स्कीम होनी चाहिए जैसे फार्मर्स के लिए स्कीम चलाते हैं गरीब लोगों के लिए स्कीम चलाते हैं दिस स्कीम शुड बी देयर अभी तक हमारे देश में है नहीं स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो इस तरह का स्कीम लेकर के आया है और दूसरा इसका ऐसे में और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जरा देखते हैं कैसे देखिए इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं पॉलिटी में भी आ सकता है कि क्या विमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट में क्या विमेन की लीडरशिप इन द पॉलिटिकल अरेना हमें इनकरेज करनी चाहिए उसको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं विथ दिस फैक्ट देखिए वो अभी जो स्कॉटलैंड जो देश है जिसने ये कानून लाया है वहाँ की जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनको वो लोग फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके यहाँ पे फर्स्ट मिनिस्टर होते हैं और वो जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं सी इज़ अ वुमेन निकोला स्टर्जियन और इस इन्होंने इस वहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर ने इस तरह का कानून लाया है तो इट इज़ नॉट नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस ये कोइंसिडेंस नहीं है कि वहाँ की जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो विमेन है और वो वुमेन के वेलफेयर के लिए इस तरह का स्कीम लेकर के आएँ ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं है इसके पीछे इम्पथी है इम्पथी तो ये इम्पथी और सिम्पथी ये दो टर्म हमारे एथिक्स पेपर फाइव में भी आज इट इज़ मैंसन है तो जरा समझते हैं इन दोनों के बीच का अंतर देखो सिंपथी में होता क्या है कि एक इंसान कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ लेकिन एक्चुअली में ही और सी जस्ट केयरिंग फॉर द अदर पर्सन उसके दुख को रियल सेंस में नहीं समझ सकता केयर फॉर अनदर अदर पर्सन प्रॉब्लम एंड फीलिंग जब आप आपका दोस्त दुखी है तो उसको देख करके आप भी थोड़ा दुखी हो गए ठीक है कि वो फेल हो गया तो वो आप वो दुखी है तो उसको देख करके भी थोड़ा दुखी है तो दैट इज जस्ट अ सिंपथी कोई बात नहीं अब जब उसको संतावना देते हैं लेकिन इम्पथी होती है जब आप सामने वाले के प्रॉब्लम्स को सही तरीके से फील कर पाएं खुद से आपने कभी उस तरह का एक्सपीरियंस लिया हो तो उसको कहते हैं इम्पथी और आप अब इस बात को तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि द मेल पॉलिटिशियंस कैन एट मैक्स सिंपथाइज विथ वीमेन इशूज़ जो भी विमेन स्पेसिफिक इशूज़ हैं फॉर एग्जाम्पल पीरियड पॉवर्टी मेल पॉलिटिशियंस तो बस सिंपथाइज़ कर सकते हैं लेकिन उसको रियल सेंस में ये प्रॉब्लम कितनी डिफिकल्ट है अगर ऐसे प्रॉब्लम्स जब फेस करते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं वो तो एक विमेन ही समझ सकती है तो ओनली अ विमेन पॉलिटिशियन अ वीमेन लीडर कैन इम्पथाइज़ विथ विमेन स्पेसिफिक इशूज़ इसलिए हमें विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में लेजिस्टिव असेंबली में ओवरऑल एग्जीक्यूटिव्स में बढ़ाने की जरूरत है सो दैट द विमेन स्पेसिफिक इशूज़ जो जनरल इशूज़ हैं वो तो ठीक है लेकिन जो विमेन स्पेसिफिक इशूज़ हैं बहुत सारे हो सकते हैं ये पीरियड पॉवर्टी है हेरासमेंट का इशू है इस तरह के सारे जो इशूज़ हैं उसको एक विमेन बस इंपथाइज़ कर सकती है मेल तो खाली सिंपथाइज़ करेगा तो विमेन जब इम्पथाइज़ करेगी तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सोल्यूशन लेकर के आएगी जैसे स्कॉटलैंड के केस में वहाँ की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन एक स्पेसिफिक सोल्यूशन लेकर के आई हैं पीरियड पॉवर्टी के अलावा एक और कॉन्सेप्ट आप काफी डिबेट में हाल फिलहाल में दैट इज नोन एज पीरियड लीव देखो पीरियड लीव मतलब हर वुमेन महीने में कुछ दिन तो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स को फ़ेस करती है हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को फेस करती है तो सी शुड बी अलाउड टू हैव अ पीरियड लीव पेड पीरियड लीव एवरी मंथ इस तरह का कॉन्सेप्ट बार 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 कुछ फेमनिश थिंकर्स फ़िलासफर्स पॉलिटिशियंस लेकर के आ रहे हैं दुनिया भर में इंडिया में तो अभी भी ये बहुत नेसेंट स्केल पे है अभी कोई ज़्यादा इस पर डिस्कशन है नहीं लेकिन ग्लोबल लेवल पर खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में अब इस तरह के आइडियाज़ बार बार आ रहे हैं लेकिन आपको जानकर के सरप्राइज होगा कि एक अफ्रीकन कंट्री दो ने 2015 में ही पीरियड लीव को फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दिया जैबिया में एक दिन का पेड पीरियड लीव मिलता है या मेंस्ट्रुएशन लीव मिलता है को। और यह चीज यह पीरियड लीव इस साल हमारे देश में न्यूज में इसलिए था क्योंकि अगस्त में इसी साल अगस्त में हमारे यहां जोमेटो ने आ, एक दिन का पेड पीरियड लीव या मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अडॉप्ट किया है फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ तो ये भी चीज़ काफ़ी न्यूज़ में है कभी सोशल इशूज़ आए विमेन स्पेसिफिक इशूज़ पर कभी कोई ऐसे आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि पीरियड लीव वैसे तो हमारे देश में एक नेसेंट इशू है लेकिन धीरे धीरे इसको हमें मेन स्ट्रीम इशू में लाना पड़ेगा कई सारे मेन स्ट्रीम इशूज़ हैं हमारे देश में मंदिर बनाने का इशू चलता है कई सारे इशूज चलते हैं तो उसमें हमें ये ये इंपॉर्टेंट इशू है फिफ्टी परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स इस इशूज को हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा और इस पर फिर हमें जनरल पॉलिसी बनानी होगी द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट हाइएस्ट ब्राइवरी रेट इन एशिया एंड दैट इंडिया हैज़ हाइएस्ट ब्राइवरी रेट इन एशिया दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फाइव एथिक्स एंड इंटीग्रिटी तो so, देखो एक नई रिपोर्ट पब्लिश की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर इन एशिया आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन रिलेटेड इंडेक्सेस पब्लिश करती है कि, कि किस देश में कितना करप्शन है तो इसी दौरान उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है एशिया के अंदर कितनी करप्शन है उसको समझने के लिए उसको हाईलाइट करने के लिए और फिर उन्होंने कुछ डाटा रिलीज किए हैं उस डाटा के हिसाब से आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर पूरे एशिया में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ब्राइबरी के केसेस होते हैं ब्राइबरी के केसेस हैं थर्टी नाइन परसेंट मतलब अगर सौ काम कराने हैं आपको हंड्रेड तरह के काम अगर होते हैं पब्लिक सर्विस में मान लीजिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है पैन कार्ड बनवाना है कोई गवर्नमेंट ऑफिस से बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो इस तरह के अगर सौ काम होते हैं इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिस से तो कम से कम थर्टी नाइन काम ऐसे होते हैं उसमें से जिसके लिए आपको ब्राइब पे करना होता है इंडिया में दिस इज़ हाइएस्ट इन इंडिया जबकि अगर बाकी एशियन कंट्रीज़ को देखें जैसे मालदीव जापान वहाँ पर ये बहुत कम है इंडिया में ब्राइबरी रेट सबसे ज्यादा इट इज थर्टी नाइन परसेंट तो ब्राइबरी रेट बहुत ज्यादा है उसके अलावा पर्सनल इन्फ्लुएंस भी सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया के अंदर टू तो गेट एनी पब्लिक सर्विस जॉब डन पर्सनल इन्फ्लुएंस आप किसी को जानते हैं आप आपके पिताजी किसी को जानते हैं आपका कोई दोस्त है जो उस ऑफिस में है इस तरीके से करके 46 परसेंट काम होते हैं हमारे देश में सरकारी ऑफिस में पब्लिक सर्विस डिलीवर होता है अदरवाइज काम होता नहीं हमारे देश में तो दोनों ही केस में ब्राइबरी देने में या पर्सनल इन्फ्लुएंस का यूज़ करके काम कराने में दोनों ही केस में हमारा देश पूरे एशिया में सबसे आगे है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया रिपोर्ट उसके अलावा कम से कम 63 परसेंट लोग हमारे देश में उनका ऐसा मानना है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे कि अगर उन्होंने करप्शन के खिलाफ कुछ कार्रवाई की अगर उन्होंने मान लो उनसे ब्राइब माना मांगा गया और उन्होंने ब्राइब नहीं पे किया तो उनका काम होगा ही नहीं और अगर उन्होंने कंप्लेन करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ ही उल्टा एक्शन हो जाएगा और उनका काम परमानेंटली रोक दिया जाएगा सो दिस इज़ द प्रॉब्लम हमारे देश में ब्राइबरी एक्ट्स लाइक अ ग्रीस जब तक इस पूरे सिस्टम के पहिए में हम लोग ये ब्राइबरी नाम का ग्रीस नहीं लगाएंगे सिस्टम अभी भी चलता नहीं है तो चीजें कोई बहुत बदली नहीं है एशिया में हम लोग वर्स्ट रैंकिंग में इवन वर्स देन पाकिस्तान अब इस का हम इस्तेमाल कहाँ करें अगर आप ये फैक्ट्स याद कर लें ये रिपोर्ट का नाम याद कर लें तो इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में सबसे बेहतरीन तो इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने एथिक्स पेपर में पेपर फाइव में उसमें सीधा सीधा एक टॉपिक है करप्शन इन पब्लिक सर्विस अगर इस पर कभी सवाल आ जाए तब तो आप ये डाटा सीधा सीधा कोट करेंगे यू विल फेच बेटर मार्क्स उसके अलावा गवर्नेंस जो पेपर है हमारा पेपर थ्री उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे भी करप्शन एक टॉपिक है आप लिख सकते हैं वहाँ पे कि डिस्पाइट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इंडिया रैंक्स हाइएस्ट इन ब्राइबरी एंड यूज ऑफ पब्लिक इन्फ्लुएंस इन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस हमारे यहाँ पर देखो इस तरह का एक कार्टून भी पब्लिश हुआ था कि हमारे देश में ब्राइब नेशनल फूड है तो इस तरह के कार्टून्स भी बनते रहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या मुद्दा है कि प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट हम एक कानून लेकर के आए थे 1988 में कि सरकारी ऑफिसर्स में अगर कोई ब्राइव मांगता हुआ पाया जाता है तो उसको पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है इसके बावजूद हमारे देश में धरल्ले से ब्राइव चलता है 2018 में इसको अमेंड भी किया गया इस कानून को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट बनाया गया इसमें कहा गया कि जो ब्राइब लेता है उसको तो सजा होगी ही होगी जो ब्राइब देता है द ब्राइब गिवर ऑल्सो विल बी नाउ सेंटेंस्ड और ब्राइव गिवर को सात साल तक की सजा हो सकती है मतलब अगर आप सरकारी ऑफिस में घूस देते हुए पाए गए तो आपके आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है और आपको सात साल के लिए जेल भेजा जा सकता है अभी कुछ ऐसे भी ब्राइब गिवर्स हैं ऐसे भी लोग हैं जो मजबूरी में ब्राइब देते हैं तो उनके लिए एक सेफ प्रोविज़न है कि अगर आपको कहीं फोर्स किया गया है कंपेल किया गया है ब्राइब देने को तो आप किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कंप्लेन करें विद इन सेवन डेज ऑफ दैट ब्राइव पेमेंट तो आप बच सकते हैं इस तरह के चार्जेस से तो आप, आपको अगर कहीं फ़ोर्सफुली ब्राइव दिलवाया जा रहा है तो आप फिर सात दिन के अंदर उस इंसान के ख़िलाफ़ कम्प्लेन करें जिसने आपसे ब्राइव मांगा है तभी आप जाकर के बचेंगे अदरवाइज़ आपके खिलाफ भी एक्शन अगर आप सात साल के लिए अंदर जा सकते हैं इतने कानून के बावजूद भी हमारे देश में आपको सब सबको पता है खुलेआम चलता है लेना और देना द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट वन वन नेशन इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर स्पीच फॉर वन वन नेशन इलेक्शन देखते हैं दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू सो न्यूज आर्टिकल क्या है न्यूज आर्टिकल ये कह रहा है कि हाल फिलहाल में देखो एटीएथ ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो इंडिया के जो भी लेजिस्टिव असेंबली हैं या लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं उन सबको मिला करके कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस उस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस कॉन्फ्रेंस को अड्रेस करते हुए फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पिच किया वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इसको हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पोस्ट को उन्होंने संभाला है 2014 से ही वो इस आइडिया को बार 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 पिच कर रहे हैं द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शन इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं इसका सरल सा मतलब यह है कि देश में एक बार ही इलेक्शन होना चाहिए लोकसभा का जब इलेक्शन होता है उसी टाइम में स्टेट लेजिस्टिव असेंबलीज के भी इलेक्शन होने चाहिए अभी तो आप देखते हैं हमारे देश में होता कैसा है हर साल कम से कम पाँच छः स्टेट्स में तो इलेक्शन होता ही नहीं है अभी कुछ दिनों पहले बिहार में इलेक्शन हुआ उसके पहले आप अलग अलग जगहों पर अगले साल असम में इलेक्शन है तो इलेक्शन चलता ही रहता है हमारे यहाँ पे इलेक्शन का सीज़न हर तीन चार महीने पे किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन आ जाता है फिर पाँच साल पे लोकसभा का इलेक्शन आ जाता है तो इस कारण से बहुत तकलीफ़ होती है बहुत खर्च होता है और हमेशा कंट्री जो इलेक्शन मोड में ही रहता है तो इससे बहुत तकलीफ़ होती है तो इसको अवॉइड करने के लिए आइडिया पेच किया गया है वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन कि साल में पाँच साल में एक बार इलेक्शन कराया जाए लोकसभा का और सारे स्टेट्स के इलेक्शन उसी टाइम में करा दिया जाए तो सारे जगहों पे सरकार एक बार में बन जाएगी और बार 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 इलेक्शन मोड नहीं चलेगा अब हमारे देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन 1967 तक चला है जब पहली बार इलेक्शन हुआ 1952 में हमारे देश में आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और पहला इलेक्शन हुआ 1952 में तो स्टेट्स के और लोकसभा के इलेक्शन साथ हुए फिर 1957 में पाँच साल बाद फिर साथ हुए सबके 1962 में भी साथ हुए 1967 तक सबके इलेक्शन साथ हुए तो साइमल्टेनियसली चल रहा था लेकिन फिर 68 में हुआ क्या कि कुछ स्टेट्स में वहाँ की सरकारों को हटा दिया गया बाई इम्प्लीमेंटिंग प्रेसिडेंट रूल आपको तो पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है और स्टेट लेजिस्टिव असेंबली तक को डिजोल्व कर सकती है तो कुछ कुछ स्टेट्स में इस तरह से प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और स्टेट लजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व किया गया धीरे धीरे फिर हुआ क्या कि साइकिल टूटनी शुरू हो गई अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर इलेक्शंस होने शुरू हो गए क्योंकि एक बार असेंबली डिजॉल्व हो गई मान लीजिए अभी सर असेंबली बनी है और दो साल बाद ही डिजॉल्व हो गई तो जब अग, उसके बाद इलेक्शन होगा और फिर जब वो असेंबली बनेगी तो पांच साल के लिए वो चलेगी तो इस तरीके से सा साइकिल टूट गया अब पार्लियामेंट लोकसभा का इलेक्शन कभी और और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कभी और होते रहते हैं और इस तरह से हुआ क्या है कि अब पूरे देश में कभी लोकसभा का इलेक्शन होता है कभी किसी स्टेट लेजिस्टिव असेंबली का इलेक्शन होता है और ये चलता रहता है तो इसको अब तोड़ने के लिए कई सारे सजेशंस दिए गए फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ने 1983 में कहा कि हमें वापस साइमल्टेनियस इलेक्शन के मोड में आ जाना चाहिए सारे जगह का इलेक्शन एक साथ होना चाहिए लॉ कमीशन ने भी इस आइडिया को प्रपोज किया सजेस्ट किया कि वी शुड अडॉप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन अगेन लॉ कमीशन ने यह रिपोर्ट नाइनटीन में पब्लिश किया था अब साइमल्टेनियस इलेक्शन लाने के पीछे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कैसे लाया जाए एक तरीका जो प्रपोज किया जाता है वो है कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस देखो हमारे यहाँ पे सरकार गिरती कैसे है अगर मान लो कोई सरकार को पाँच साल के लिए बनाया गया है अब वो सरकार बीच में ही पाँच साल का टर्म अगर पूरा करे तब तो साइमल्टेनियस इलेक्शन चलता रहेगा जब भी मान लो आज भी हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन कर दिया कि पार्लियामेंट लोकसभा का इलेक्शन और बाकी स्टेट्स का इलेक्शन एक साथ होगा तो फ्यूचर में फिर ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई सरकार गिर गई और फिर वो साइकिल टूट गया तो साइमल्टेनियस इलेक्शन फिर टूट सकता है तो साइमल्टेनियस इलेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट ला सकते हैं उसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसका मतलब ये है कि सरकार को गिराने के लिए जो नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन पार्टी लेकर के आ रही है वो सिर्फ सरकार को गिराने के लिए नो no कॉन्फिडेंस नहीं लाएगी और साथ साथ ये भी प्रूव करेगी कि उसके पास मेजोरिटी है मतलब वो सरकार बना सकती हैं मान लो देखो अभी बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है एक साल बाद आ, ये सरकार गिर जाए और कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए अपोजिशन पार्टी की सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो ये सरकार तब तक नहीं गिरेगी अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाए कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तक अपोजिशन पार्टी ये ना प्रूव कर दे कि जो सरकार है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है और अपोजिशन पार्टी के पास मेजॉरिटी है इससे होगा क्या कि अपोजिशन पार्टी की सरकार उसी साम, उसी टाइम में बन जाएगी और फिर बचे हुए चार साल के लिए वो चलेगी तो साइकिल बना रह जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो साइकिल पाँच साल का बना रहेगा अदरवाइज अगर बीच में ही सरकार गिर गई लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिजॉल्व हो गई तो साइकिल टूट जाएगा वो हम नहीं चाहते हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे देश में बस नो no कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट है आप बस प्रूफ कर दो कि सरकार के पास नहीं है मेजॉरिटी सरकार टूट जाएगी अब आप भी मेजॉरिटी नहीं प्रूफ कर पाए कर पाए कोई बात नहीं लजिस्लेटिव असेंबली को डिजोल्व कर दिया जाएगा फिर से इलेक्शन होगा और इस चक्कर में होता क्या है कि पाँच साल के पहले ही इलेक्शन हो जाता है और साइकिल टूट जाता है तो इस कारण से साइमल्टेनियस इलेक्शन चल नहीं पाता हमारे देश में बिकॉज वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ओनली बट वी कुड फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये कॉन्सेप्ट जो है जर्मनी में और कई सारे देशों में बेल्जियम स्पेन पोलैंड बहुत सारे जगहों पर फॉलो किया जाता है हमारे देश में नहीं है हम इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ला सकते हैं अब साइमल्टेनियस सिलेक्शन से फायदे क्या ऑफ ऑफकोर्स खर्चा बचेगा इनॉर्मस कॉस्ट जो हर बार इलेक्शन अलग अलग जगहों पे इलेक्शन कराने से का खर्चा बचेगा अभी है क्या कि आप जब वोट करने जा रहे हैं तो उसी टाइम में आपने लोकसभा के लिए अपने कॉन्स्टिट्युएसी से जिस भी कैंडिडेट को वोट करना है उसको वोट कर दिया और अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जिस कैंडिडेट को वोट करना है उसको उसी टाइम में वोट कर दिया तो कई सारे इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो खर्चा बचेगा द गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन गवर्नेंस अभी होता क्या है कि देखो जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी भी लोकसभा का इलेक्शन जब भी अनाउंस किया जाता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कोई भी नया वेलफेयर स्कीम नहीं लाया जा सकता कोई भी नया डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोप लग जाता है कि सरकार जो है वो वोटर्स का पैसा खरीदने के लिए सारी स्कीम लेकर के आ रही है इस कारण से इलेक्शन कमीशन ने ये पाबंदी लगा रखी है कि यू कैन नॉट ब्रिंग एनी वेलफेयर स्कीम वंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अप्लाइड अब हर तीन चार पांच महीने में तो कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वहां आ ही जाएगा तो इस कारण से पूरा देश जो है हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है और इस कारण से प्रॉब्लम हो जाती है इस कारण से अब वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर सरकार फोकस नहीं कर पाती उसके अलावा जिस भी पार्टी की सरकार है सेंटर में वो हर वक्त किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन में बिजी रहती है और इस चक्कर में डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है वो बैक सीट को ले लेता है इट इज़ नेग्लेक्टेड उसके अलावा वोटर टर्नआउट बढ़ेगा ऐसा लॉ कमीशन का मानना है कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा तो नेचुरली लोग वोट ज़्यादा करेंगे अभी दिक्कत क्या है कि हर कुछ दिनों पर इलेक्शन आ जाता है तो पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड या अब कौन जाए हर तो कुछ दिनों पे कभी पंचायत का इलेक्शन कभी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कभी लोकसभा का इलेक्शन सो वोटर टर्नआउट गोज डाउन वोटर टर्नआउट ऊपर जाना मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसेस का और स्ट्रेंथन होना तो ये होगा विथ साइमल्टेनियस इलेक्शन लेकिन डिसएडवांटेज भी है सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज कहा जाता है वो ये है कि नेशनल एंड स्टेट इशूज आर डिफरेंट और जो वोटर है वो अलग अलग मुद्दों पे वोट देता है फॉर एग्जाम्पल जब हम लोकसभा में वोट देते हैं तो हम नेशनल एजेंडों पे वोट देते हैं कि हमारी सरकार जो है उसकी ओवरऑल फिजिकल पॉलिसी कैसी है हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को कितना बढ़िया प्रोटेक्ट कर रखा है पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ क्या क्या एक्शन ले रही है हमारी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो नेशनल इशूज़ अलग होते हैं स्टेट इशूज़ अलग होते हैं वो लोकल होते हैं कि हमारे यहाँ का ब्रिज बना कि नहीं हमारे यहाँ की रोड बनी कि नहीं पानी आया कि नहीं आया नेशनल इशूज़ अलग हो सकते हैं किसी के लिए मंदिर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है तो नेशनल एंड स्टेट इशूज़ आर डिफरेंट लोकल इशूज़ जो स्टेट इशूज़ होते हैं वो लोकल इशूज़ होते हैं आप लोकल इशूज़ पर वोट करते हैं लेजिसलेटिव असेंबली लेकिन में लेकिन अगर दोनों इलेक्शन साथ होने लगे तो नेशनल इशूज जो है वो स्टेट इशूज़ को ओवर पावर कर लेगा ऐसा लोगों का आर्ग्यूमेंट है और फिर जो लोग हम जब वोट करने जाएंगे तो मान लीजिए कि हम नेशनल इशूज से इंस्पायर्ड होकर के हम स्टेट इशूज़ पर भी वोट कर देंगे तो जो पार्टी नेशनल लेवल पर जीतेगी उसी पार्टी को फायदा मिलेगा स्टेट लेवल पर भी अक्सर होता है कि स्टेट लेवल पर जो पोलिटिकल पार्टीज हो, होती है वो नेशनल लेवल पर नहीं होती हैं लेकिन इससे होगा क्या कि जो स्टेट नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फायदा मिलेगा स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लोकल पॉलिटिक्स को बेहतर समझती हैं, लोकल नीड्स को बेहतर समझती हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और उसके अलावा दूसरा आर्ग्यूमेंट यह भी है कि हर पाँच साल पे बस इलेक्शन होगा तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाएगी सरकार जो है वो लोगों के तरफ जो है उतना जो अभी अकाउंटेबल रहती है क्योंकि उसको डर लगा रहता है कि हर कुछ दिन पे कहीं इलेक्शन आने वाला है और सेंटर लेवल पे अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उस स्टेट में इलेक्शन हार जाएंगे और इस कारण से हमेशा उनको दे रिमेन ऑन देयर टोज हमेशा उनको अच्छा काम करते रहना पड़ता है तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इज मेंटेन्ड विथ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस ऐसा आर्ग्यूमेंट है और तीसरा डिसएडवांटेज ये कहा जाता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाना। अगर आप आज ले भी आए तो लॉन्ग रन में फिर से वो साइकिल टूट जाएगा जैसे कि 1967 में टूट गया तो ये डिसएडवांटेज है फिर फ़ायदा क्या हुआ ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा क्यों क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है आर्टिकल एट्टी थ्री सब क्लॉस टू कहता है कि लोकसभा के इलेक्शन हर पाँच साल पर होने चाहिए और वैसे ही आर्टिकल 172 सेवेंटी टू सब क्लॉज वन कहता है कि लेजिसलेटिव असेंबली के इलेक्शन हर पांच साल पे होने चाहिए अब अगर आपने एक बार कहीं एक साथ उनको सिंक करा भी दिया तो फिर बीच में साइकिल कभी टूट गई बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार गिर गई या प्रेसिडेंट रूल के कारण सरकार हट गई तो फिर साइकिल टूटेगा फिर जब अगला लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा वो पांच साल के लिए चलेगा तो इस चक्कर में साइकिल टूट गया और फिर से फायदा नहीं होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन अभी लाने का लॉन्ग रन में अगेन दैट साइकिल विल बी ब्रोकन इस टॉपिक के विशेष पर हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट टॉक्स अबाउट स्टैग फ्लेशन द विलन ऑफ इकोनॉमी हाल फिलहाल में हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस स्टैग फ्लेशन का दिस टॉपिक इजोर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू तो इस टॉपिक की मदद से हम लोग टर्म समझेंगे टैग फ्लेसन ये होता क्या है? देखो स्टैग फ्लेसन इट इज अ कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी है देखो नेचुरल नेचुरली होता क्या आपने जरूर अपने बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा सबसे इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं अपने यूपीएससी पी या ए के प्रिपरेशन में उसका सबसे बेसिक जो डायग्राम है वो ये वाला डायग्राम है इस डायग्राम को आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा कि इन जनरल जो कैनीजन मॉडल है जिसको हम लोग वेलफेयर मॉडल कहते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसके हिसाब से इकोनॉमी का जो कर्व होता है वो इस तरीके का होता है इन जनरल या तो इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन और हाई ग्रोथ होगा जिसको हम लोग पॉजिटिव आउटपुट गैप भी कहते हैं या तो फिर लो इन्फ्लेशन एंड लो ग्रोथ होगा जिसको हम लोग नेगेटिव आउटपुट गैप कहते हैं ये जनरल ट्रेंड है अगर हर एक चीज नॉर्मल है आइडियल है तो ग्राफ इसी तरीके का कुछ होगा राइट लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डनरी सरकमस्टांसेस जनरेट हो गए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट्स हो गए तो ये उल्टा भी हो सकता है और करंट जो सिचुएशन है हमारा कोर्स इट इज़ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम इट इज़ अ टाइम ऑफ पैंडेमिक अभी भी हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं तो इस कारण से हम हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस कर रही स्टैग फ्लेशन का स्टैग फ्लेशन देखो स्टैग फ्लेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं जब इकोनॉमी स्टैगनेंट हो मतलब ग्रोथ रेट लो हो और इन्फ्लेशन हाई हो नेचुरली ऐसा होता नहीं है नेचुरली जब ग्रोथ रेट लो है तो इन्फ्लेशन भी लो रहता है ग्रोथ रेट हाई होता है तो इन्फ्लेशन भी हाई रहता है लेकिन स्टैगफ्लेशन वाला सिचुएशन एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है जब इकोनॉमी लो हो इकोनॉमी स्टैगनेंट हो और इन्फ्लेशन हाई हो तो स्टैगनें इकोनॉमी और इन्फ्लेशन को मिलाकर स्टैग फ्लेशन एन इट इन जैसे हम अभी फेस कर रहे हैं हमारी ग्रोथ रेट निगेटिव सेक्टर में कहीं चल रही है माइनस दस परसेंट पे जबकि इन्फ्लेशन सात परसेंट आठ परसेंट पे चल रहा है इट इज ए हाई अमाउंट आपको पता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन का रेंज जो डिजायर्ड रेंज है दैट इज फोर प्लस माइनस टू परसेंट मतलब टू टू सिक्स परसेंट अकॉर्डिंग टू मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि आप इन्फ्लेशन दो परसेंट से छह के बीच में रखेंगे लेकिन पिछले तीन क्वार्टर से हमारा इन्फ्लेशन सात परसेंट से ऊपर चल रहा है और ग्रोथ रेट तो आपको पता ही है है नेगेटिव में चल रहा दिस इज इज सिचुएशन ऑफ एंड दैट हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड द एसोसिएटेड लॉकडाउन तो यही स्टैग फ्लेन आपसे सीधा सीधा पीटीएम इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन स्टैग फ्लेन ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल आ चुका है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पीटी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग एपीएससी टुडे डिल कवर टॉपिक नंबर 220 टू टॉपिक नंबर 222 टॉपिक नंबर 220 इज़ अबाउट ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप स्कीम द स्कीम वाज़ अनाउंस्ड बाय असम गवर्नमेंट इन इट्स बजट 2019-20 अंडर इट 700 पर मंथ सब्सिडी एज हॉस्टल फी विल बी फॉर द स्टूडेंट्स इंगेज इन हायर एजुकेशन नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक नंबर 221 इट इज अबाउट इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर इन 1985 वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वाज एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट विच वाज़ साइंड अंडर यूनाइटेड नेशंस टू प्रोटेक्ट आवर ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोसफेयर इन नाइनटीन एटी साइ प्रोटोकॉल अंडर वीएना कन्वेंशन वॉज साइंड आपको पता है कॉन्वेंसन एक लार्जर फ्रेमवर्क होता है एक ब्रॉडर एग्रीमेंट होता है दैट इज़ नॉट फोर्सफुल दैट इज़ नॉट बाइंडिंग लेकिन उस कन्वेंशन के अंदर कई सारे प्रोटोकॉल साइन किए जा सकते हैं प्रोटोकॉल्स आर बाइंडिंग इन नेचर तो वैसे ही वियना कन्वेंशन के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया जिसमें फैसला लिया गया कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांसेज उनको धीरे धीरे उनका यूज हम खत्म कर देंगे एंड दिस वॉज साइंड बाई हंड्रेड कंट्रीज हु कंट्रीज हुआ मेम्बर टू दिस वियना कन्वेंशन फिर इसी वियना कन्वेंशन के अंदर एक किगाली अग्रीमेंट लाया गया टू या की गाली अमेंडमेंट लाया गया टू अमेंड मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल में क्या हमने फैसला लिया कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं जैसे सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोबन वगैरह इनको हम लोग धीरे धीरे इनका यूज करना बंद कर देंगे अब ये सी एफ सी वगैरह यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में एयर कंडीशनर्स में तो उनको धीरे धीरे हम उनका यूज करना बंद कर दिया और उसको रिप्लेस करना हमने शुरू कर दिया विथ एच एफ सी हाइड्रोफ्लोरोबन अब ये हाइड्रोफ्लोरोबन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटांस तो नहीं है लेकिन ये हाइड्रोफ्लोरोबन ग्रीन हाउस

इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट कर और नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम इट इज अबाउट बुभूति लखर टॉपिक नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी टू एंड बीभूति लखर साहब के बारे में आप जानते भी होंगे पहले से इनके बारे में थोड़ा और यहाँ देख लेते हैं ही हैज बिन वर्किंग टू सेव ग्रासलैंड फ्लोराज फोनाज ऑफ मानस नेशनल पार्क फॉर लास्ट टू डिकेड्स ही वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन कनेक्टिंग मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान ही बिकेम फर्स्ट एशियन

एंड इन सारे इवेंट्स को हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था करेक्ट आंसर विल बी वन टू फोर थ्री सबसे पहले लाला देखो क्रोनोलॉजी देखते हैं तीस अक्टूबर आ, 1928 को तो साइमन कमीशन आए इंडिया में सेवेंटी नवंबर को लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई 1928 इटसेल्फ उसी के अगले महीने जाकर के भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मार दिया लाहौर में और फिर उसके बाद फिर आपको पता है कि 1928 में कोलकाता सेशन हुआ दिसंबर में 1929 में लाहौर सेशन हुआ दिसंबर में उसके बाद पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन लिया गया ऑन 19th दिसंबर 1929 और उसके बाद डांडी मार्च शुरू किया महात्मा गांधी ने ऑन ट्वेल्थ मार्च 1930 थर्टी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो इस हिसाब से आंसर होगा सी दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग